तारीख थी 10 जून 2011, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलती है, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आ पाती है। घरवाले परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस तेजी से अपना काम करते हुए उस लड़की को ढूंढने निकलती है, मगर पुलिस को लड़की का शव मिलता है और वो शव उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। मगर पुलिस के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस लड़की की हत्या किसने की है। पुलिस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और फिर एक दिन पुलिस को जॉब भी मिल जाता है, लेकिन जॉब हिला देने वाला था। दुनिया की नजर में जिसकी हत्या हुई थी असल में वही कातिल भी था। ऐसा कैसे संभव है कि जिसका कत्ल हुआ हो वही इस केस का कातिल भी हो। हम आपको जिस सच्ची घटना की कहानी बताने जा रहे हैं उसमें सच में ऐसा ही हुआ था। शायद आपको अभी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, मगर जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और हिला देने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी कहानी कल्पना से परे है और इस पूरी कहानी को अंजाम देने के पीछे की वजह और भी ज्यादा भयानक है। तो आखिर क्या है इस मर्डर की कहानी की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार हैं शिखा दुबे। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। 2011 में शिखा की उम्र 23 साल थी। शिखा दुबे देखने में बेहद ही मासूम और शरीफ थी। शिखा 10 जून 2011 को कुछ जरूरी काम से घर से बाहर निकलती हैं। शिखा घर वालों को कहकर जाती हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, मगर काफी देर हो जाता है, मगर वो वापस नहीं लौटती हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है परिवार वालों की चिंताएं भी बढ़ने लगती है। ज्यादा अंधेरा हो जाने पर परिवार वाले अपने स्तर से शिखा दुबे की खोजबीन शुरू कर देते हैं, मगर शिखा की कहीं भी जानकारी नहीं मिलती है। जब शिखा का कहीं भी पता नहीं चलता तो थक हार कर शिखा दुबे के पिता रामप्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले रामप्रकाश दुबे से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है। जवाब में वो दीपू यादव का नाम लेते हैं। रामप्रकाश दुबे के मुताबिक दीपू यादव उन्हीं के पड़ोस में रहता था। पुलिस को दिए बयान में प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू यादव अक्सर उनकी बेटी शिखा दुबे को परेशान किया करता था, इसलिए उन्हें शक है कि हो ना हो दीपू यादव ने ही उनकी बेटी को गायब किया है या फिर उसकी हत्या कर दी है। शक जताने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और भागते हुए दीपू यादव के घर पर आती है। यहाँ आकर पता चलता है कि दीपू यादव खुद ही लापता है। अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और वो दीपू यादव को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर पुलिस शिखा दुबे की तलाश में भी लगी रहती है। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस वालों को सरूप कैनल कॉलोनी के पास के जंगल में एक लाश मिलती है। ये लाश एक लड़की की थी। लाश का चेहरा बहुत ही भयानक तरीके से बिगाड़ दिया गया था, चेहरे से पहचान करना मुश्किल था। एक लड़की की लाश मिलते ही पुलिस वाले तुरंत रामप्रकाश दुबे के परिवार वालों को बुलाते हैं और उनसे पहचान करने के लिए कहते हैं। खबर मिलते ही शिखा दुबे के परिवार वाले लाश की पहचान करने के लिए आ जाते हैं। चूंकि चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था इसलिए चेहरे से पहचान करना असंभव था, लेकिन शरीर पर पहना हुआ कपड़ा, शव के आसपास बिखरे हुए सामान, पैरों में पहनी गई चप्पल, गले में मौजूद काला धागा तथा लड़की की कदकाठी इस बात की गवाही दे रही थी कि ये सामने पड़ी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे हैं। परिवार वाले आखिरकार उस शव की पहचान अपनी बेटी शिखा दुबे के तौर पर करते हैं, क्योंकि भले ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था मगर शरीर पर जो कपड़े थे वही पहनकर अंतिम बार शिखा दुबे अपने घर से बाहर निकली थी। इसके अलावा जो चप्पल, दूसरा सामान तथा गले में काला धागा मिला था वो सभी शिखा दुबे का ही था। पहचान होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से काटा गया है और भारी चीज से हमला करके चेहरे को बिगाड़ दिया गया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम में सेक्सुअल हैरेसमेंट की पुष्टि भी होती है। शरीर को कई जगह सिगरेट से जलाया गया था, मतलब लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया गया था। इस दरिंदगी की खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और लोग जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद सभी जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद उसके परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं।
अब पुलिस वाले तत्परता दिखाते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की तलाश में लग जाती है। चूंकि शिखा दुबे के पिता ने दीपू यादव नाम के लड़के पर शिखा दुबे की हत्या का शक जताया था, इसलिए पुलिस दीपू यादव को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए उसे ढूंढने में निकल जाती है और दीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों को उठाया जाता है। यहाँ तक कि दीपू यादव से जुड़े 50 से ज्यादा दोस्तों से पूछताछ होती है, मगर कहीं से भी दीपू यादव का पता नहीं चलता। काफी मेहनत के बाद दीपू यादव का एक करीबी दोस्त पुलिस के हाथ लगता है, जो पूछताछ में खुलासा करता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र आया जाया करता था और पिछले कुछ दिनों में उसने सोनभद्र का जिक्र भी कई बार किया था। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र की ओर जाती है और दीपू यादव की तलाश में सोनभद्र शहर का कोना कोना छान मारती है। तलाश कई घंटों तक होती रहती है, मगर कहीं भी दीपू यादव का पता नहीं चलता है। फिर भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और अपनी तलाश जारी रखते हैं। इसी तलाश में वो एक ऐसे घर के पास पहुंचते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस वाले आकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कई बार नॉक करने के बाद एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने वाली लड़की को देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि उसी शिखा दुबे नाम की लड़की ने खोला था, वही शिखा जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने बस अभी अभी किया था। जिस शिखा दुबे के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी, वही शिखा दुबे अब पुलिस के सामने खड़ी थी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुलिस वालों ने शिखा दुबे को कैसे पहचाना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जब शिखा दुबे के पिता ने बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो उन्होंने शिखा दुबे की कुछ तस्वीर भी पुलिस वालों को दी थी। शिखा दुबे को जिंदा देखकर हैरान होते हुए पुलिस वाले मामला समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। कमरे में पुलिस वालों को कोई और नहीं बल्कि इसी केस का प्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव दिखता है, मतलब जिस लड़की शिखा दुबे की हत्या हुई थी वो और जिस लड़के दीपू यादव पर हत्या का इल्जाम लगा था, वो दोनों एक ही घर में सोनभद्र में साथ रह रहे थे। यहाँ एक और सबसे बड़ा सवाल था कि जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था वो तो पुलिस को जिंदा मिल गई थी, तो अभी अभी परिवार वालों ने जिस लड़की को अपना बेटी मानकर उसका अंतिम संस्कार किया था, तो फिर वो कौन थी, उसकी हत्या किसने की थी। अब पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश करने में लग जाती है। इन सभी सवालों का सटीक जवाब कोई दे सकता था तो वो थी शिखा दुबे और दीपू यादव, इसलिए पुलिस वाले इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करते हैं और गोरखपुर लेकर आते हैं और यहाँ इन लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। अब इस पूछताछ में हिला देने वाला खुलासा होता है। शिखा दुबे पूछताछ में खुलासा करती है कि दीपू यादव भी उसी के कॉलेज में पढ़ाई करता था और वो उसके घर के आसपास ही रहता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और देखते ही देखते शिखा दुबे तथा दीपू यादव एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दुनिया की नजरों से बचकर दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगते हैं। मगर इस प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है और वो शिखा दुबे पर कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। इस कारण दीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना बंद हो जाता है। कुछ दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, मगर मौका मिलते ही फिर से शिखा दुबे और दीपू मिलने जुलने लगते हैं और मौका मिलते ही गोरखपुर के एक मंदिर में जाकर 18 अप्रैल 2011 को चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देते हैं और अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। अब दीपू यादव शिखा को अपने साथ रखने के प्लान पर काम करने लगता है। इन दोनों को अच्छे से पता था कि अगर परिवार वालों को भी बता दिया कि हमने शादी कर ली है तब भी परिवार वाले नहीं मानेंगे, इसलिए अब दोनों दूसरे विकल्प की तलाश में लग जाते हैं ताकि साथ रह सके। दीपू यादव अपने इस परेशानी का जिक्र अपने एक दोस्त सुग्रीव से करता है। सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वो ट्रक भी चलाया करता था। दीपू यादव की सारी बातें सुनने के बाद सुग्रीव इन दोनों को बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो देखने में काफी हद तक शिखा दुबे की तरह है। उसकी कदकाठी और लंबाई भी पूरी तरह शिखा दुबे की है। अगर हम उसकी हत्या कर दें और हत्या करने के बाद उसे शिखा दुबे का कपड़ा पहना दें और उसका चेहरा बिगाड़ दें, तो लोग शिखा दुबे को मरा हुआ समझ लेंगे और फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर बड़े आराम से रह सकते हो। दीपू यादव और शिखा दुबे को सुग्रीव का ये आइडिया काफी पसंद आया और दोनों इस प्लानिंग को हकीकत में बदलने के मिशन पर लग जाते हैं। प्लान बनाने के बाद अब सुग्रीव शिखा दुबे की तरह दिखने वाली पूजा कुमारी नाम की लड़की से कॉन्टेक्ट करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक नौकरी मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो मुझसे आकर मिल सकती हो। पहले महीने का पगार तुम्हें एडवांस में दिया जाएगा। पूजा कुमारी की उम्र भी 25 से 26 साल थी। उसकी एक 3 साल की बेटी भी थी। क्योंकि पूजा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो काम की तलाश में भी थी, इसलिए जब सामने से ऑफर आता है तो पूजा कुमारी मना नहीं कर पाती है
और वो काम की तलाश में सुग्रीव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। सुग्रीव तुरंत इस बात की जानकारी दीपू यादव और शिखा दुबे को देता है और तय किया जाता है कि 10 जून को प्लानिंग को हकीकत में बदला जाएगा। प्लान के तहत सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है ताकि वो पूजा को अपने साथ ला सके। इधर तय समय के मुताबिक शिखा दुबे भी अपने घर से निकलकर दीपू यादव से मिलती हैं और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदती हैं। इधर सुग्रीव पूजा को लेकर वापस आने लगता है। वापस आते हुए वो पास के एक जंगल में गाड़ी रोकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो तुम्हें काम देंगे। इसी के बाद बहाने से गाड़ी को रोक कर ये पूजा को गाड़ी से उतारते हैं और जंगल में ले जाते हैं। यहाँ पर दीपू और शिखा भी आते हैं। यहाँ आकर बड़ी बेरहमी से सुग्रीव और दीपू गला दबाकर पूजा की हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा दुबे बाजार से खरीदकर लाए नए कपड़े खुद पहनती हैं और जो कपड़ा वो घर से पहन कर निकली थी वो कपड़े पूजा को पहना देती हैं। यहाँ तक कि जो काला धागा अक्सर शिखा दुबे अपने गले में पहना करती थी वो भी पूजा के गले में डाल देती हैं ताकि इस लाश की पहचान शिखा के तौर पर किया जा सके। शिखा अपनी चप्पल भी पूजा के शव के पास छोड़ देती हैं। अपना सब कुछ पहनाने के बाद शिखा पूजा के सब कपड़े छिपाकर अपने बैग में रख लेती हैं। कपड़ों के आधार पर पूजा अब शिखा दुबे बन चुकी थी मगर चेहरे से अभी भी वो पूजा की तौर पर ही पहचानी जा सकती थी। इसलिए सुग्रीव और दीपू ट्रक से लोहे का एक बड़ा सा रॉड निकालते हैं और बड़ी बेरहमी से पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देते हैं और ये लोग तब तक उस रॉड से पूजा के फेस पर मारते रहते हैं जब तक कि पूजा का चेहरा पूरी तरह बिगड़ नहीं जाता। इसके अलावा ये लोग पूजा के शरीर को सिगरेट से भी बड़ी बेरहमी से जलाते हैं ताकि इस मामले को दूसरा रूप दिया जा सके। हत्या करने के बाद दीपू तथा शिखा दुबे तुरंत वहां से सोनभद्र भाग जाते हैं जबकि सुग्रीव अपने खलासी बलराम के साथ मिलकर शव को वहां से उठाकर सरू कैनल के पास के जंगल में लाकर फेंक देते हैं और फिर छुप जाते हैं। कुछ दिनों तक तो शिखा दुबे और दीपू यादव का प्लान बहुत अच्छे से काम करता है मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ लगती हैं, इनके राज से पर्दा उठ जाता है। शिखा दुबे और दीपू यादव के इस खुलासे को सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई शौक रहता है कि मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे ने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया है। शिखा ने अपने प्यार के साथ रहने के लिए 3 साल की मासूम के सर से उसकी माँ का साया छीन लिया। इस खुलासे के बाद जब शिखा दुबे को पिता के सामने लाया जाता है तो एक पल के लिए उन्हें यकीन नहीं होता है कि जिस बेटी को वो मरा समझकर जिसका अंतिम संस्कार कर चुके थे वही अब उनके सामने है। वो अपनी बेटी का गला छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वो जिंदा है। वो थोड़े भावुक भी होते हैं मगर थोड़ी देर बाद अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहते हैं कि जिसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया हो इससे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, ये मेरे लिए मर चुकी है। इन सभी खुलासे के बाद पुलिस दीपू यादव, सुग्रीव, शिखा दुबे तथा बलराम को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जिस शिखा दुबे का इस कहानी की शुरुआत में कत्ल हुआ था वही शिखा दुबे कहानी के अंत में कातिल निकलती है। फिलहाल इस केस की स्थिति क्या है शायद सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। 2011 में घटी इस घटना के कुछ सालों तक तो शिखा दुबे और दूसरे आरोपी जेल में रहते हैं मगर कुछ साल बाद ही शिखा दुबे तथा दीपू यादव बेल लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद शिखा दुबे और दीपू यादव अलग अलग शादी करके अपनी दुनिया बसा चुके हैं। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक आज भी इस केस की फाइलें यूं ही पड़ी हुई हैं। अभी तो कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।